अमृतसर बंब धमाके मामले च डीजीपी गौरव यादव ने किए वड्डे खुलासे। श्री हरिमंदर साहब को धमाके करने वाले मुजरिम पंजाब दे ही निकले, पंजाब च फैलाना चाहते सी दहशत। सत श्री अकाल जी, वर्ल्ड पंजाबी डिजिटल देख रहे हो तुसी ते मैं गुरप्रीत सिंह। श्री अमृतसर साहब च धमाके करने वाले जिहड़े मुजरम ने वह पंजाब दे ही निकले, वड्डी गल है जिहड़ी निकल के सामने आई है ते इस नूं लैके खुलासे ने जिहड़े पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव वालों किए गए ने। तो जिस तरीके नाल देखा गया कि पिछले एक हफ्ते च तीन वारी अमृतसर च श्री हरिमंदर साहब के कोल धमाके होंदे ने, तो पुलिस वालों जांच की जा रही थी। जेकर रात की गल करां तो रात 12:15 बजे एक होर धमाका होंदा, तो जिस तो बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँचदा तो इलाके नू उस नू जगह नू सील कर दिता जाता जिहड़ी सरां च रामदास सरां कोल धमाका होया सी। उस तो बाद जांच की जाती है, तो SGPC की टास्क फोर्स है जिहड़ी वह भी जांच कर रही होंगी है। तो उन्होंने CCTV एक क्ल्यू कढ़दे ने जिस के सामने आउंदा है कि एक जिहड़ा शख्स है वह उठ के जा रहा सी ते उस वलों ये धमाका जिहड़ा वह किया गया, तो उस शख्स नू गिरफ्तार किया गया। सब तो पहला तुहानू वह वीडियो दिखाने जिस तो ये सारे खुलासे हुए भी धमाका करने वाला कौन सी ते पांच जणियां की गिरफ्तारी है जिहड़ी वह हुई है। तो यह भी दस दिए पांच जणियां की गिरफ्तारी जिहड़ी है इस मामले च होई है, तो DGP पंजाब गौरव यादव ने इस नूं लैके एक अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि वह भी तुहानूं दस दें। इस मामले ते DGP गौरव यादव ने कहा कि हैरीटेज स्ट्रीट विच दो धमाके हुए सन, पहला धमाका 6 मई ते दूजा 8 मई नूं होया सी। पुलिस इस मामले च पहला ही सतर्क सी ते लगातार CCTV कैमरिया नूं खंगाल रही सी, जिस दे संबंध च आस पास दे लोकां नाल संपर्क किया ते सारी घटना बारे जानकारी भी लई सी। जो कई अजिहां गल्लां सामने आईयां जिन्हां च पुलिस दोषियां दे नेड़े पहुँच रही सी। मिति 10 मई की रात करीब 12 बजे तीसरा धमाका हुंदा, तां पुलिस वल्लों तीसरे धमाके दे संकेत लैंदे हुए घेराबंदी कीती अते 5 मैंबरी गिरोह नूं काबू कर लिया गया। मुढ़ली पुछगिछ च गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना जुर्म कबूल करके वड्डे खुलासे किए ने। फड़े गए मुलजमान की जेकर पछाण दसीए तां आजाद वीर सिंह पिंड वडाला कलां बाबा बकाला जिला अमृतसर देहाती, अमरीक सिंह वासी गुरदासपुर, साहब सिंह वासी गेट हकीमा अनगढ़, अते धर्मिंदर ते हरजीत सिंह वासी अमृतसर वजों होई है, जो कि मुजरम ने इस मामले च। तां इस संबंधी DGP ने दसिया कि गिरफ्तार दोषी आजाद वीर सिंह ने बुधवार रात 12 बजे के करीब सरां दे बाथरूम च जाके उसके पिछे स्थित पार्क च बंब धमाका कर दिता, जिस तो बाद पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके उसनू गिरफ्तार कर लिया। पांच दोषियों तो पुलिस वालों की मुढ़ली जांच विच इन्हां ने अपना जुर्म कबूल कर लिया अते पुलिस नू दस्या कि वह पहला भी धमाके कर चुके ने। फड़े गए मुलजमान ने दस्या कि पहला दो धमाके जिस विच 6 मई नू पार्किंग च एक कंटेनर च पॉलीथीन के लफाफे च बंब की समग्री रखी हुई सी, जिस विच मोटे धागे नाल लटकिया होया वह कंटेनर सी। ता इस तो बाद 8 मई नू सवेरे 4 बजे के करीब एक होर बंब उन्हां वल्लों उसे पार्किंग च रखिया गया अते वह उत्थों चले गए बंब रख के। तो बाद विच जदो एक होर लंघ रहे व्यक्ति ने उस धागे नूं देखिया तां उसने खिंचिया तां वह धमाका हो गया। यह घटना सवेरे 6:30 बजे के करीब वापरी सी। फड़े गए दोषियों ने दसिया कि उन्होंने मिलकर पटाके बनाने की 5000 रुपए की समग्री खरीदी अते उस च पत्थर पा के ट्रैल लिया, जिस च वह सफर रहे ते बंब तैयार करन लगे। पुलिस ने गिरोह के मैंबर के कब्जे चो 1100 ग्राम विस्फोटक समग्री, रसायण अते कुछ रेडिकल भी बरामद किए ने। इस संबंध च थाना E Division की पुलिस ने मुकदमा नंबर 49 धारा 9B विस्फोटक के तहत दोषियों को गिरफ्तार किया है। एक्ट 3-4-5 विस्फोटक समग्री, 13-16-18 गैर कानूनी गतिविधियां रोकू एक्ट तहत अते 120 भी तहत उन्होंने केस दर्ज किया गया है। तो अमृतसर बंब धमाकों के मामले च पांच मुख्य गिरफ्तारियां हुई ने, तो DGP गौरव यादव ने इस अहम खुलासे किए ने। इन्हों का जिहड़ा मकसद से यही निकल के सामने आया कि इन्हों वालों पंजाब का माहौल खराब करने यह दहशत है जिहड़ी पैदा की जा रही थी। हालांकि यह भी दस दिए कि DGP वालों यह भी कहा गया कि लो इंटेंसिटी के जिहड़े घट तीव्रता वाले ये बंब सी, इन्हां दी गिरफ्तारी के नाल पंजाब पुलिस ने वड्डी सफलता हासिल की है।